हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार का हर एक व्हील का डायमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, उस कार को 10 मिनट जाने के लिए उसका व्हील कितना बार रोटेट करेगा, ये निकालना है। अगर उस कार का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर मान लीजिए किसी एक कार से हमें ये वाला डिस्टेंस कवर करना है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किसी एक कार से हमें ये वाला डिस्टेंस कवर करना है। तो ये वाला मान लीजिए ये एक व्हील है, ये एक व्हील है। तो ये जो एक बार रोटेट करेगा, ये जब एक बार रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद यहां पर आएगा। तो ये एक बार जब रोटेट किया तो इसका क्या रोटेट हुआ, इसका सरकमफेरेंस रोटेट हुआ। इसका क्या रोटेट हुआ, इसका सरकमफेरेंस रोटेट हुआ। दैट मीन्स कार का जो व्हील है, ये एक बार रोटेट करने के बाद कितना तक दूरी कवर करेगा, ये जितना उसका सरकमफेरेंस है, जितना उस व्हील का सरकमफेरेंस है, उतना ही इसका एक बार रोटेशन में उतना ही डिस्टेंस इसका कवर करेगा। तो पहले स्टेप में ही हम लोग क्या करेंगे, उस कार का एक व्हील का सरकमफेरेंस निकालेंगे। और उस व्हील का यहां पर डायमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही, गिवेन डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इक्वल टू, गिवेन डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा मतलब 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो देयरफोर रेडियस ऑफ द व्हील, देयरफोर रेडियस ऑफ द व्हील इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स इस व्हील का हमें यहां पर रेडियस मिल गया है, तो अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो देयरफोर सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, देयरफोर सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, और सरकमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2πr इज इक्वल टू 2πr। तो यहां पर हम लोग करस्पोंडिंग वैल्यूज पुट करेंगे, 2 into π into r। r कितना है, देखिए r है हमारे पास 40। तो फाइनली ये 2 into 40 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 80 into π सेंटीमीटर। तो एक बार रोटेट करने के बाद उसका व्हील, उस कार का व्हील 80π सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अभी हम लोगों को यहां पर 10 मिनट जाने के लिए उसका व्हील कितने बार रोटेट करना पड़ेगा, ये निकालना है। और यहां पर दिया गया है कि स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए 66 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय आवर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस किलोमीटर को, इस किलोमीटर को हम लोग यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इस आवर को हम लोग मिनट में लेके जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पर हमें पता है देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम लोगों को किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो दिस इंप्लाइज 1000
इंटू में 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इंटू में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो दिस इंप्लाइज 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो फाइनली 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर आ गया. हम लोगों को 66 किलोमीटर को यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 66 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 66 लाख सेंटीमीटर. तो दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे 66 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हावर को, हम लोगों को मिनट में करना है, तो 1 हावर इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट. दैट मीन्स ये जो कार है उस कार का स्पीड है आपका 66 मिनट में ये कार 66 लाख सेंटीमीटर जाता है. हम लोगों को यहां पर 10 मिनट्स में डिस्टेंस निकालना है. सो 10 मिनट्स में वो कार कितना जाएगा, 10 मिनट्स देखिए 60 को हम लोगों को 60 मिनट को 10 मिनट्स बनाना है. तो 60 मिनट्स को 10 मिनट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे. तो 6 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 10 मिनट्स, तो इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब हम लोग 66 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 लाख. दैट मीन्स वो कार 10 मिनट्स में वो कार डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा आपका 11 लाख सेंटीमीटर. तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स इक्वल टू, देयरफोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू 11 लाख सेंटीमीटर. अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें मिल गया 10 मिनट्स में, ये जो 10 मिनट्स है 10 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करता है वो कार का व्हील 11 लाख सेंटीमीटर. हम लोगों को इस 11 लाख सेंटीमीटर कवर करने के लिए इस व्हील को कितना बार रोटेट करना पड़ेगा ये निकालना है. तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील ऑफ द कार बी एन. तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील ऑफ द कार बी एन, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील ऑफ द कार बी एन. तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया इस 11 लाख सेंटीमीटर को जाने के लिए व्हील को एन बार रोटेट करना पड़ेगा, और व्हील एक बार रोटेट होने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करता है 85 सेंटीमीटर. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफोर एन इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू एन इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स. दिस इंप्लाइज एन इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना होता है 85. तो एन इंटू यहां पर हम लोग लिख लेंगे 85 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स क्या है 11 लाख सेंटीमीटर. तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 लाख सेंटीमीटर. यहां पर अभी हम लोगों को यहां पर कैंसिल देकर सिंप्लीफाई करना है. सो दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 11 लाख डिवाइडेड बाई 85. दिस इज इक्वल टू 11 लाख डिवाइडेड बाई 85 मतलब है 22/7 यहां पर ऊपर चला जाएगा जब हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे. अभी यहां पर हम लोगों को कैंसिल करना है. तो यहां पर देखिए जब हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, 11 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 और यहां पर हो जाएगा आपका 1 देन 4 जीरोस. नेक्स्ट यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 into 30, 5000. तो यहां पर देखिए फाइनली यहां पर आ गया देखिए 5000 into 7 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 35000.
डिवाइडेड बाय 8 और 35,000 डिवाइडेड बाय 8 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4375। दैट मीन्स ईच व्हील ऑफ द कार विल मेक 4375 रिवोल्यूशंस। दे आर फोर, फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, दे आर फोर ईच व्हील ऑफ द कार, ईच व्हील ऑफ द कार विल मेक 4375 रिवोल्यूशंस। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बार बार प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, देखिए, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहां पर हमें चार ऑप्शंस दिया गया है, उन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को ठीक करना है। कंडीशन दिया गया है, देखिए, इफ द पेरिमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अगर किसी एक सर्कल का पेरिमीटर और उस सर्कल के एरिया इक्वल हो जाए तब उस सर्कल का एरिया क्या होगा हमें निकालना है। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। और यहां पर देखिए यूनिट्स तो नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर मीटर इस तरह से कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है, इसीलिए यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स। एरिया ऑफ द सर्कल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया गया है सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन πr स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr, मतलब सर्कल का एरिया इज इक्वल टू सर्कल का पेरीमीटर। दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का एक आर आर कैंसिल हो गया। तो यहां पर फाइनली यहां पर इस तरफ रह रहा है आपका आर और यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर क्या है देखिए यहां पर आपका टू। दैट मीन्स आर का वैल्यू आ गया टू और आर हम लोगों ने माना था उस सर्कल का रेडियस, दैट मीन्स सर्कल का रेडियस आ गया आपका टू। और टू देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफोर करेक्ट ऑप्शन इज ए टू यूनिट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए टू यूनिट्स। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।